ठीक है ठीक है, ब्लॉक तो पहुंच गए हैं, बाकी रेती जो है सुबह फिक्स मुझे 8 बजे चाहिए, ठीक है, और बजरी भले आप शाम तक भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह के मिल गए। ये लीजिए कल के और आज के मिला के पूरे 3000। बहुत शुक्रिया। और हाँ, जो रकम आपने एडवांस मांगी थी वो कल आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, कासिम कहाँ है उसे बोलो तो वो भी आकर पैसे देगा। जी ठीक है। और सुना जनाब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले कहते नहीं है। माशाल्लाह, ये आप काम का जरूर कर, अजान का जवाब दीजिए और मेरा नहीं क्या कमी। हाँ भाई, ये आपकी तबीयत है। الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله ये आपके पैसे। कासिम भाई, आपसे एक बात पूछनी है। हम जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्राइवेट बात नहीं है, आप लोग सुन सकते हैं। जी आप इरशाद फरमाइए। बात ये है कि मैं दे रहा था आपको पैसे, पर आपने आजान का बताकर पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ भला कौन सी तलावत हो रही थी? जी जी, उस वक्त मैं भी सोच में पड़ गया कि पैसे पकड़ने में कौन सा टाइम लगता है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, टाइम तो नहीं लगता। असल में मैंने एक किताब है बहारे शरीयत, उसके पहले जिल्द के सफ़ा नंबर 473 पर पढ़ा है कि जब अजान हो तो उतनी देर के लिए तमाम काम मौकूफ कर दीजिए, अजान को गौर से सुनिए और जवाब दीजिए, इकामत में भी इसी तरह कीजिए। अजान के दौरान चलना फिरना, बर्तन गिलास वगैरह उठाना, खाना वगैरह रखना, छोटे बच्चों से खेलना, इशारों में गुफ्तगू करना वगैरह, सब कुछ माकूफ कर देना ही मुनासिब है। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे, माज़ल्ला उसका खातिमा बुरा होने का खौफ है। अस्तग्फिरुल्लाह, अस्तग्फिरुल्लाह। कासिम भाई, अभी आपने बताया था कि अजान को गौर से सुने और इसका जवाब दीजिए। जी वो इसलिए कहा था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका खुलासा अर्ज करता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतो, जब तुम बिलाल को अजान व इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसके हर कलीमे के बदले में तुम्हारे लिए 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दरजात बुलंद फरमाएगा और तुम्हारे 1,000 गुना मिटाएगा। खवातीन ने यह सुनकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया, मर्दों के लिए दुगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत पर कुर्बान, उसने हमारे लिए नेकियां कमाना और गुनाह बख्शाना किस कदर आसान फरमा दिया। पर अफसोस कि इतनी आसानियों के बावजूद हम गफलत का शिकार रहते हैं। जमील भाई, हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां। सुभान अल्लाह। जमील भाई, ये अजान में कितने कलमे होते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 2 कलिमात हैं। इसी तरह पूरी अजान में कुल 15 कलिमात हैं। इस तरह तो 15,00,000 नेकियां हो गईं। ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए डबल है, यानी 30,00,000 नेकियां। अब सोचें कि दिन में 5 मरतबा अजान दी जाती है, अब 30,00,000 को 5 से ज़रब दें
تو یہ کتنی نیکیاں بنی؟ 1.5 کروڑ نیکیاں. 1.5 کروڑ نیکیاں جی. اور فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، یوں ہو گئے 17 کلمات. سبحان اللہ، نیکیاں مزید بڑھی. بالکل بڑھی. اب آ جائیں اقامت کی طرف. ہر نماز سے پہلے اقامت اور ہر اقامت میں 17 کلمے. اب لگائیں حساب، کتنی نیکیاں بنی؟ نہیں قاسم بھائی، اب حساب نہیں لگانا، اب تو عمل کرنا ہے، صرف عمل. اور میں نے تو یہ پکی نیت کر لی ہے کہ آج سے اذان و اقامت کا جواب ضرور بل ضرور دوں گا. یہ تو مفت کی نیکیاں ہیں بھائی. اور پھر ٹائم کتنا لگا؟ مشکل سے 2-3 منٹ. اور نیکیاں کروڑوں. قاسم بھائی، اذان کا جواب دینے کی نیت تو میں نے بھی کر لی، مگر جواب دینا کیسے ہے؟ اذان کا جواب دینے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. اذان دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، یعنی خاموش ہو، اس وقت یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور باقی کلمات کا بھی اسی طرح جواب دے. مثال کے طور پر شاکر جی، وہ اذان کے شروع کے کلمات ذرا اذان کے انداز میں ادا کرنا. آپ سب میری طرف غور سے دیکھیں، میں ان کا جواب کیسے دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ زبردست، اتنے کم وقت میں اتنی نیکیاں، سبحان اللہ. اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ فیضان اذان حاصل کیجیے. انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی، جزاک اللہ خیرا. چلیں، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. جی چلیں.